हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल। आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भाषण हुआ, जिसके दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 पे सरकार को धन्यवाद दिया। मॉब लिंचिंग पे कई बातें उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये चीज़ें होती गलत हैं और कुछ छोटे ग्रुप करते हैं, उसकी वजह से पूरे समुदाय पे जो लालछन लग जाता है। इसके लिए उन्होंने दोनों तरफ के लिए कहा, ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए कहा, सिर्फ दोनों तरफ का। और जैसे जैसे राम मंदिर का मुद्दा क्लियर होने वाला है तो उसके पक्ष में, जो हिंदू का पक्ष है उसके फेवर में, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए या क्या, या फिर अपना सपोर्ट दिखाने के लिए या फिर एक्साइटमेंट दिखाने के लिए आरएसएस की पूरी रैली निकली थी। और लखनऊ में कम से कम 200-300 के आसपास गाड़ियां थी। तो और आपको भी मैं वीडियो दिखा दूंगा रैली की, छोटी झलक दिखा दूंगा। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मैंने डॉक्टर स्वामी का एक स्टेटमेंट सुना, जिससे मुझे भी कई हद तक ये फैसले पे आने के लिए एक प्लस पॉइंट है, एक नतीजे पे हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा बहुत आ सकते हैं, वरना बाकी स्टेट जजमेंट का वेट तो करना ही पड़ेगा। और ये वो ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट हर तरह के जनरल राइट से या फिर किसी भी तरह की चीज़ों से ऊपर होते हैं, और आस्था हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि ऊपर सबसे ज़्यादा मेंशन है। और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हमें ज़मीन चाहिए, वो अब क्योंकि वो हर चीज़ में हार चुके हैं, कि ASI में भी निकल चुका है कि नीचे हिंदू मंदिरों के होने के सबूत हैं, पिलर्स हैं, मूर्तियां हैं, कमल के फूल की स्ट्रक्चर्स हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये साबित होता है कम से कम वहाँ मस्जिद से पहले कोई मस्जिद तो नहीं था, मंदिर था, मस्जिद बनाया गया, फिर से मंदिर बनाने की मांग है, बस इतनी ही डिमांड है। और सिर्फ बिलीफ का मामला है एक पार्टी का, और दूसरी पार्टी के लिए हमें ज़मीन चाहिए। तो यहाँ पे वो लोग साफ साफ कमज़ोर पड़ जाते हैं। यहाँ इस मुद्दे पे अगर आपको देखा जाए तो किसी का भी जनरल राइट फंडामेंटल राइट से ऊपर हो ही नहीं सकता, और यही बात अगर कोर्ट में रखी जा रही है और इस मुद्दे को बना के अगर पूरा केस लड़ा जा रहा है, या और पता नहीं, तमाम चीज़ें होंगी कोर्ट में, अपनी अपनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, कई सालों से चल रहा है।